ये हमारी हालत ऐसी है कि हमारे बैंक के अंदर मिलियन डॉलर पड़े हुए हैं और बाहर हम कटोरे से भीख मांग रहे हैं, ये हमारी परिस्थिति है। या बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट वी हैव, हमारे पास कितना अद्भुत रत्नों का ढगला पड़ा हुआ है इन फॉर्म ऑफ नवोपार मंत्र। हमारी उससे हमारा जो शरीर है उसका भी ठिकाना नहीं है, मन का ठिकाना नहीं है, इंटेलेक्ट का ठिकाना नहीं है। जहां जो बुद्धि वापरनी है वहां नहीं वापरते हैं, और जहां नहीं वापरनी है वहां अपनी डेढ़ सांडपन बार बार दिखाते रहते हैं। और आज के युग की ओर मैंने खास करके यहां अमेरिका में अनुभव किया, पीपल आर वेरी वेल एजुकेटेड एंड दे आर मिजरेबल इन लाइफ। It is their intellect and it is their thought process is the biggest obstacle in achieving the goals they want to achieve. Because दो मिनट और लेता हूं, भगवान ने और एक ज्ञान बताया जो बहुत जरूरी है समझना। हमारे ये बॉडी के अंदर पांच कैमरा है, पांच कैमरा जिसे हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। Am I right? These are cameras, man. वो कैमरा अभी आंख का कैमरा इस रूम के बाहर क्या होता है देख नहीं सकता, बराबर है। कान का कैमरा बाहर के रूम के बाहर क्या होता है नहीं समझ सकता। नाक का कैमरा इतने एरिया में समझ सकता है, इसे आगे नहीं समझ सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? जबान का कैमरा, स्वाद का कैमरा, जब तक अंदर चीज नहीं जाती और जबान के एक टिप्स के ऊपर नहीं जाती तब तक उसको स्वाद का भी पता नहीं चलता। और ये स्पर्श जो है, जो हमें टच का ऑर्गन्स कहते हैं हम, उस पे भी जिस प्रकार का स्पर्श होता है वो भी कंप्लीट नहीं है। लेकिन हमारा भरोसा इस पांच ऑर्गन्स के ऊपर, इस पांच कैमरे के ऊपर 100% है। Am I right? अभी इसकी औकात क्या है पता है? जो चीज, जो ऑर्गन्स, जो कैमरा, हमें कुछ नहीं है। रूम की एरिया क्या है वर्ल्ड के हिसाब से? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वन कैमरा? जीरो, नियर टू जीरो। लेट्स से 0.5%, लेट्स अस्सुम 0.5% इनटू 5, हाउ मच इट कम्स टू 2.5%। ओके, द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज वी हैव थ्रू दिस ऑर्गन्स इज 2.5%, एंड आवर इंटेलेक्ट processes this information. This is nothing but data. 24 hours our camera is gathering this data and our intellect operates on this. It analyzes this and then he's saying that I have got this information. You man? And this is the truth because I have seen it with my eyes. What you have seen? You have seen nothing. You do not know how to see truth. इस 2.5% के डेटा, सी ये सब कैमरा क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं। साइंस की बात कर रहा हूं अभी, ये कैमरा है और ये हम डेटा कलेक्शन करते हैं और डेटा कलेक्शन के ऊपर प्रोसेसिंग कौन करता है? दिमाग, बुद्धि। तो वो डेटा जो दौर डेटा की औकात 2.5% है तो बुद्धि की औकात क्या है? और उसमें अपनी एफिशिएंसी, बुद्धि की एफिशिएंसी कितनी है? 50% पकड़ लो तो 1.25%। इस 1.25% के ऊपर हम डांस कितना करते हैं और इसी से अपना खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। तो अभी भगवान की दुनिया में जाना है, एबंडेंस की दुनिया। नवकार मंत्र इज अ स्पेसशिप विच एलिवेट्स अस to that abundance of infinity. And it is to this Navkar Mantra we can go into the space of abundance and whatever we want to get, we can get from there and come back to this earth. Yes. And you can do it anytime, anywhere, moment you feel you can do it. This is the science of mantra and this is the science of Navkar Mantra. And if you connect it with your science of life, definitely our life is going to become divine because Navkar Mantra consists of five divine entities, Panch Parameshthi.
And it is not in the form of individuals. It is in the form of tattva. Jai Jinendra. मेरा नाम मुकुल शाह है. मैं अमेरिका में 35 साल से रह रहा हूँ. आज जो कन्वेंशन यहाँ जॉर्जिया एटलांटा में हुआ है, ऐसे 6 कन्वेंशन और भी मैंने अटेंड किए हैं, मगर आज जो गुरुजी का प्रवचन है वो सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा. बहुत ही अच्छा मिशन है. मैं चाहता हूँ कि मिशन बहुत अच्छा फूले फाले, सब उसका एडवांटेज ले और जगत के सभी जीव इस माध्यम से सुखी हो और परमात्मा की भक्ति करे और अपना भी बहुत बहुत उत्कर्ष हो, ऐसी मेरी अंतकरण भावना है. जय जिनेन्द्र. Become a member just now for a lifetime of happiness, joy and love through Seva, Satsang and Ayurveda. Subscribe to YouTube channel Paramsukhi Namojana.